हेलो, द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड को समझने से पहले सबसे पहला वर्ड आएगा एटम। ठीक है, एटम क्या होते हैं? एटम वो होते हैं जो खुद एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट कर सकता है अकेला। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए उतने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, वो उनके एटम्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम वो पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये जो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी एटम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेटल्स की बात मेनली करते हैं, तो मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कोई एटम होगा। ठीक है, गोल्ड का एटम होगा, वह एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, अब ये गोल्ड जो हम प्योर गोल्ड को ले लेते हैं अगर, ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली गोल्ड जो यूज़ होता है उसके अंदर क्या होता है? सिल्वर मिला होता है, थोड़ा बहुत और भी कंपाउंड्स मिले होते हैं। ठीक है, हम गोल्ड को ले लेते हैं, तो ये गोल्ड क्या होगा? अकेला एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा? एलिमेंटल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट ये है जिसके अंदर सेम एटम्स हो। क्या हो? सेम एटम्स हो। ठीक है, और कंपाउंड क्या होगा? मेड अप ऑफ एटम, डिफरेंट एटम। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात कर लेते हैं, तो अगर हम अकेले अकेले बात कर रहे होते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। बट H2O में ये क्या है? ये कंपाउंड है, क्योंकि इस पे अलग अलग एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, फिर ये अलग अलग कंपाउंड के लिए एक और वर्ड आता है, मिक्सचर। जब बहुत सारे कंपाउंड्स एक साथ मिक्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो कंपाउंड को और मिक्सचर को कंफ्यूज मत करना। मिक्सचर क्या होता है? मेड अप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या बात करी हमने कि एटम होता है, एटम जब अकेला होगा, सेम एटम होगा, तो उस पूरे को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट के बारे में। कंपाउंड क्या होगा? अलग अलग एटम से, अलग अलग एलिमेंट से मिल के क्या बना होगा? कंपाउंड बना होगा। तो ये कंपाउंड जैसे H2O है, तो H2O किससे मिल के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये क्या है? एलिमेंट है। और फिर मिक्सचर होगा जो कि कंपाउंड से मिलके बना होगा। ये बेसिक डिफरेंस था बच्चों एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कीप वॉचिंग।